हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी किचनी। मैं हूं आशीष और चलिए बिग बॉस के घर में क्या घमासान हो रहा है उसकी बात करने के लिए मैं आ गई हूं। 25वें दिन क्या हुआ है वो आपको बताने के लिए जा रही हूं। फ्रेंड्स, 25वें दिन जो बिग बॉस के घर में कुछ अनोखा हो रहा है, यहां पर कोई भी आपको घर का कैप्टन नहीं दिखाई देने वाला है। मतलब साम्राज्य तो है लेकिन साम्राज्य का महाराज नहीं है, महाराज गायब है। और ये बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से हुआ है। उसमें हुआ कुछ यूं था कि बिग बॉस ने कैप्टेंसी के लिए एक चेयर रखी थी, जो सबसे पहले चेयर पर पहुंचेगा वो उससे कैप्टेंसी का दावेदार माना जाने वाला है। और उसके नीचे एक जगह बनाई थी जहां पे कुछ लोगों को बोला गया था कि आप जाइए और चेक कीजिए, मतलब यू वॉन्ट टू सपोर्ट दैट कैप्टन जो बैठे हैं। जैसे पहली बार शिव बैठे थे तो शिव को सपोर्ट करना है या राशन लेना है। तो उसमें जब दो बार गए तो निमृत ने शिव को चुना था, और वहीं जब एमसी स्टैंड की बात आई तो उन्होंने राशन को चुना। ओके, तो एक वोट मिला कायदे से। दूसरी बार गौतम को सीट पर बैठाया गया क्योंकि ही वाज नंबर सेकंड वन। तो उसके बाद सौंदर्या ने गौतम को चुना, और वहीं पर जो अंकित है उन्होंने चुना राशन को। और सच बोले बड़े अजीब से कॉन्ट्रोडिक्टरी स्टेटमेंट मुझे नजर आ रहे थे। एक तो निमृत को सब ऐसा क्रिटिसाइज कर रहे थे जबकि सौंदर्या को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे थे। उसने सौंदर्या ने गौतम को चुना, दैट वाज कंप्लीटली ओके। और जब निमृत ने शिव को चुना तो दैट वाज नॉट ओके, और ये बात बिग बॉस खुद बता रहे थे। तो जब बीच का जो एक होता है ना, किसी की फिरकी लेना, जो बिग बॉस फिरकी ले रहे थे, मुझे वो बड़ा अच्छा लग रहा था। और वहीं जो बिग बॉस ने अंकित की फिरकी ली है, दैट वाज माइंड ब्लोइंग। आई लव अंकित, उनकी उडारिया मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। इनफैक्ट मैं जो तीनों कैरेक्टर्स हैं, तीनों इतने सुंदर लगते थे अपने 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 रूप में। जब अंकित को वो छेड़ रहे थे कि इस रूम में जाओ, फिर ये करो, फिर वो करो, अंकित का भोला वाला चेहरा जिस तरीके से बनना था, आई थॉरली एंजॉयड हिज एक्सप्रेशंस। और वहीं पर अब्दू थोड़े से गुस्सा थे। अब्दू को ऐसा लग रहा था कि अब उन्हें फाइट करनी पड़ेगी, तो मुझे अब्दू को देख के थोड़ा सा दुख हो रहा था। लेकिन मजेदार था जब अर्चना को रूम से बाहर निकला था, उन्होंने बिग बॉस ने कहा था अर्चना जल्दी बाहर निकलो, जो भी है जैसे भी अपना सामान लेके। अर्चना धीरे धीरे काम कर रही है, और फिर सारे लोग पहुंचे क्योंकि उसकी काउंटडाउन शुरू कर दी गई थी कि भाई अब जल्दी नहीं निकले तो देख लेना, सारा सामान ले लुआ के, सब कुछ बोरिया बिस्तर बांध के वो जो बाहर निकलने की जद्दोजहद थी, दैट वॉज टू हिलेरियस। मेरे को बहुत मजा आया 25वें दिन देखकर। अभी गर्ल्स हॉस्टल वर्सेस बॉयज हॉस्टल ये वाला सिचुएशन देखने में मैं इंटरेस्टेड हूँ। आप बताइए आपने क्या एंजॉय किया। जय हिंद।